subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं आपको क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. sec x प्लस tan x dx. सबसे पहले मैं sec x का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर. सॉरी dx ना कर सकते हैं. sec x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x अलग कर लो dx प्लस sec x का tan x में तो sec x tan x dx. ये sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए. tan x प्लस sec x tan x का क्या होता है sec x प्लस c. काफी इजी है. आपने क्या किया सिर्फ sec x का मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया और उनको कर दिया. अब अगला क्वेश्चन देखिए 19 sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx. यहां से देखिएगा sec स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं 1 by cos square x. ठीक. और cosec का फॉर्मूला क्या होता है 1 by sin square x. अब हम उसको ऊपर ले आएंगे तो sin स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x हो जाएगा. ठीक. तो dx तो क्या हो गया tan स्क्वायर x dx. अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. क्लियर. अब सेपरेट कर देंगे. इट मींस sec स्क्वायर x dx माइनस dx. क्लियर हो गया. अब sec स्क्वायर क्या होता है tan x माइनस x प्लस sec स्क्वायर tan x और x dx का x माइनस ये कांस्टेंट है तो x लगा प्लस. क्लियर. बहुत इजी था. देखिए बच्चों हंसी आती है. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है. ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा जल्दी जल्दी में हो गया. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा. क्लियर. देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 20 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. अब देखिए अलग करेंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस या डीएक्स लिख लो 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. अब ध्यान से देखना 2 अपॉन कॉस यानी 2 अपॉन कॉस क्या होता है सेक तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस. क्लियर. अब देखिए 3 लिखेंगे बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया. एक कॉस एक्स और बचा तो 1 by cos क्या होता है sec x dx. क्या किया मैंने sin अपॉन 2 बार cos है नीचे cos स्क्वायर x है तो sin by cos tan अकेला 1 by cos होता तो 1 by cos क्या होता है sec. अब 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c. क्लियर. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. रूट एक्स प्लस 1 by √x dx. तो सेपरेट करेंगे x की पावर 1 by 2 प्लस ये नीचे 1 by 2 है तो ऊपर जाओ किसको लगा माइनस का x की पावर माइनस 1 by 2 dx. अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 by 2 प्लस 1 अपॉन 1 by 2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस. अब x की पावर कितनी होगी 3.2 और ये 3.2 पर जाएगा तो 2.3 आएगा तो 2.3 x की पावर 3.2 कितना आ जाएगा हाफ बचा ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा 2. अब ये भी हाफ बचा तो रूट x 2 x की पावर 1 by 2 प्लस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 22 4x³ - 3x⁴ dx. अब अलग करेंगे इसको 4x³ dx
माइनस थ्री ले लेंगे इधर बाहर और वन अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स। अब फोर ले लिया बाहर, एक्स क्यू का क्या होगा, एक्स फोर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स की पावर ऊपर ले तो माइनस फोर आएगा, तो एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन। अब फोर से फोर कैंसिल, तो एक्स की पावर फोर माइनस माइनस फोर प्लस वन कितना होगा माइनस के थ्री, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, क्योंकि माइनस के थ्री बचेंगे तो नीचे है एक्स की पावर थ्री प्लस सी। अब ये पूछ रहा है कि एफ टू इक्वल टू जीरो है, एफ टू इक्वल टू जीरो, तो देखिए एफ टू निकालेंगे इक्वल टू टू की पावर फोर प्लस वन बाई टू की पावर थ्री प्लस सी। अब ये एफ टू दे रखा है जीरो आपको, तो जीरो इक्वल टू सिक्सटीन प्लस वन बाई एट प्लस सी, तो कितना हुआ है ऐसे लेंगे वन ट्वेंटी एट प्लस वन प्लस सी इक्वल टू, तो वन ट्वेंटी नाइन अपॉन एट प्लस तो सी इक्वल टू माइनस टू वन ट्वेंटी नाइन अपॉन एट। क्लियर? अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन ट्वेंटी नाइन अपॉन एट। क्लियर?